बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार चिकन स्टीक की रेसिपी बनाते हैं व्हाइट सॉस के साथ। तो चिकन स्टीक बनाने के लिए हम लेंगे चिकन के 2 ब्रेस्ट पीसेस, इसे पतले स्लाइसेस में इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे 4 चिकन स्टीक। अब 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, इसे इस तरह से क्रश करके चिकन पर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच भर कर डाल लेते हैं इसमें तेल। 1 चम्मच भर कर लेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक। अच्छी तरह से चिकन पर ये सारी चीज़ों को मल देंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए सॉस बनाना है, इसके लिए लेंगे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। 1 चम्मच भर कर ले लेंगे टोमेटो सॉस। 1 छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आप चाहें तो इसकी जगह पर पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर कर है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 चम्मच है ओरिगैनो। 1 बड़ा चम्मच भरकर डाल लेंगे इसमें वाइट विनेगर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लहसुन की कलियां जो हमने डाली हुई है चिकन के ऊपर, ये सारी हटा देंगे और ये सॉस का मिक्सचर इस पर डाल देते हैं। अच्छी तरह से ये सॉस के मिक्सचर को सारी चिकन स्टीक्स पर लगा लेंगे। करीब 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना है और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ग्रिल पैन पर अगर आप स्टीक को फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल वाले पैन पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल सारी जगह डालने के बाद ये सारे चिकन के स्टीक्स हम यहाँ पर रख लेंगे मीडियम फ्लेम पर। करीब 5 से 6 मिनट के लिए एक तरफ हमें इसे फ्राई कर लेना है। फिर हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ, इसके बाद हम ये सारी फ्राई की हुई चिकन स्टीक निकाल लेंगे। अब इसी पैन में डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 कप उबला हुआ गाजर, 1/2 कप है उबली हुई ब्रोकली, 1/2 कप डालेंगे उबली हुई फ्रेंच बीन्स। करीब 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए करीब 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर टमाटर हमें इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। हाई फ्लेम पर फिर से सारी चीज़ों को करीब 1/2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो ये वेजिटेबल्स रेडी है स्टीक के साथ सर्व करने के लिए। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच भरकर बटर लेंगे। बटर को मेल्ट कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे करीब 1/2 मिनट के लिए। फिर हमें इसमें डालना है 2 चम्मच मैदा। मैदा डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैदे को हमें पका लेना है। इसे करीब 1 मिनट के लिए हम चलाते हुए पकाएंगे। अब 1.5 कप इसमें दूध डाल लेंगे और दूध डालते ही साथ अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें मिक्स करते जाना है एकदम लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो इसके सारे लंप्स बनते जाएंगे। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे काले मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच है चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच डाल लेते हैं ओरिगैनो। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे ही एग बॉयल आ जाए हमारा व्हाइट सॉस बनकर रेडी हो जाएगा। इसे हम सर्व कर लेंगे स्टीक के साथ। मज़ेदार और सुपर हेल्दी चिकन स्टीक का प्लेटर बनकर रेडी है। व्हाइट सॉस और मज़ेदार से वेजीज के साथ इस चिकन स्टीक को आप सर्व कर लीजिए।